नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चार अलग अलग माइक्रोवेव अवन को कंपेयर करने वाले हैं आपस में, ब्रांड वाइज और मॉडल वाइज। आपको हम कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा कम दाम में आपको ज़्यादा फीचर्स वाला और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा वो हम रिकमेंड करेंगे, और ज़्यादा फीचर्स किस में मिलेगा आपका अगर बजट कम है तो देखते हैं इस वीडियो में चलिए कि कौन कौन सा माइक्रोवेव ओवन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में IFB 30 लीटर का जो कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन है, ये जो 30BRC मॉडल है इसका। और उसके साथ हमने कंपेयर किया है IFB 20 23 लीटर का कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन को, जो जिसका मॉडल है 23BC4। और उसके साथ हमने कंपेयर किया एक अलग ब्रांड का, सैमसंग का 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रो ओवन है, जिसका मॉडल नंबर है MC28H5013AK, जो ब्लैक कलर में है। और उसी के साथ हमने 25 लीटर का IFB कन्वेक्शनल माइक्रोवेव ओवन कंपेयर किया है, जो मेटेलिक सिल्वर में है कलर इसका, और ये 25SC4 इसका मॉडल नंबर है। तो रिव्यू वाइज बात करें दोस्तों, रेटिंग वाइज तो आप देख सकते हैं कि जो 30 लीटर का IFB माइक्रोवेव ओवन है, इसका प्राइस जो है दोस्तों 12,500 रुपया है। और रिव्यू का बात करें तो इसमें 685 लोगों ने इसमें रिव्यू किया है, 4 का रेटिंग दिया है आउट ऑफ 5 में। वही बात करें 23 लीटर का जो माइक्रोवेव ओवन है IFB का, ये इसका प्राइस है दोस्तों 10,899 रुपया। और जिसको रिव्यू किया है 627 लोगों ने 4 का, तो ये रिव्यू वाइज भी ये चलिए प्राइस वाइज ये कम है, बढ़िया है। लेकिन वही है, आपको इसमें कितना लीटर मिलेगा वो सारे बात हम करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं रेटिंग और प्राइस को। और सैमसंग का 28 लीटर का जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, उसका जो प्राइस है 10,299 रुपया। इसको 70 लोगों ने 4 का रिव्यू किया है। इसमें रिव्यू कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, 2019 का ही मॉडल है। और ये जो है माइक्रोवेव ओवन है IFB का 25 लीटर का, जो 10,599 रुपये में है, इसको रिव्यू किया है 529 लोगों ने, 4 का रेटिंग दिया है। तो देखते हैं कि ये जो किस टाइप का ही अवन है, और जो ये 28 लीटर 30 लीटर का, सॉरी 30 लीटर का ये माइक्रोवेव अवन है, और ये जो 23 लीटर का है, ये आपका इसमें क्या क्या आपको बॉक्स में मिल जाएगा। 30 लीटर वाले में माइक्रोवेव अवन मिलेगा सिर्फ, और 23 लीटर वाले में एक दाव दली विथ लिक्विड और ये सारे सामान मिल जाएंगे जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मेजरिंग टम्बलर, 2 इडली स्टैंड और 1 कुकर एंड सर्वर मीडियम विथ लिक्विड 150 ml का, और एक रोटी चॉपर और एक लैडल मिल जाएगा। और जो जो ये सैमसंग का 28 लीटर का है, इसमें एक माइक्रोवेव ओवन मिलेगा, एक ग्लास मिलेगा, एक टर्न टेबल मिलेगा, एक रोलर रिंग मिलेगा, और एक राउंड वायर रैक मिलेगा, और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। और वहीं आप देख सकते हैं IFB का जो 25 लीटर का है दोस्तों, इसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ माइक्रोवेव ओवन मिलेगा। तो मतलब प्राइस वाइज बात करें तो सैमसंग का भी अच्छा ही है, प्राइस कम ही है। और रेटिंग वाइज बात करें, रिव्यू के साथ अगर रेटिंग वाइज बात करें तो जो 30 लीटर का है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्राइस के मामले में और रेटिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से 23 लीटर का जो कन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसका प्राइस भी कम है और रिव्यू भी अच्छा खासा है। और उसके अंदर मतलब आपको जो पैकेट में है, मतलब बहुत सारे सामान जैसे रोटी चौ क्रिस्पर मिल रहा है, फिर डफ डफोडिल विथ लिक्विड मिल रहा है, और इसमें और 1 स्क्वायर कुक एंड सर्वर मीडियम विथ लिक्विड मिल रहा है, इस टाइप का सामान इसमें मिल रहा है।
और कैपेसिटी जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक जो IFB का है 30 लीटर का है, और दूसरा 23 लीटर, एक 25 लीटर का, और जो सैमसंग का है वो 28 लीटर का है। वारंटी सभी में दोस्तों 1 साल का है, प्रोडक्ट का वारंटी है। और 3 साल जो है 30 लीटर वाले में मैग्नेट्रॉन और कैविटी का जो ये है वारंटी है। जितने भी IFB वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे आप 30 लीटर, 23 लीटर या 25 लीटर का लेंगे, वो सभी में 3 साल मैग्नेट्रॉन और कैविटी का जो वारंटी पीरियड है। लेकिन जो सैमसंग वाला है उसका 1 साल का, मतलब प्रोडक्ट का ये है वारंटी, और साथ में 5 साल का जो है मैग्नेट्रॉन का, और 10 साल क्रेमिक कैविटी का है। तो वारंटी वाइज ये जो सैमसंग वाला है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके मतलब प्राइस भी कम है। तो प्राइस और वारंटी वाइज आपको सैमसंग का 28 लीटर वाला काफ़ी अच्छा है। और पावर, आउटपुट पावर जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा आउटपुट पावर रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट कुकिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे 30 लीटर वाले में जो है IFB वाला, जो 30 लीटर का कन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन है, उसमें 2200 वाट का है, और जो आपका 23 लीटर है वो 1400 वाट का है। 1400 वाट बहुत काफ़ी होता है दोस्तों आपको खाना बनाने में। नॉर्मली हम जो गैस में खाना बनाते हैं उसमें अगर फुल स्टीम कर दें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट होता है उतना में। तो आप सोच सकते हैं, तब भी 400 वाट आपको नॉर्मली, आप 1000 वाट्स में आप आराम से 5 से 4 मिनट के अंदर में आप पानी को बॉईल कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है इतना वाट खाना बनाने के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न में ना रहे कि 1400 वाट और 2200 वाट मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, खाना पकेगा कि नहीं। नहीं पकता है दोस्तों, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो वो काफ़ी मतलब मैं नॉर्मली 800 वाट में ही मेरा खाना, जैसे राइस बनाता हूँ तो 5 मिनट में 800 वाट में मेरा पक जाता है बढ़िया से। और आप चाहते हैं कि और कम, तो उसका रेंज रहता है, आप 400, 300, 500, 600 जितना आप चाहें अपने हिसाब से उसमें टाइम फिक्स कर ले और उतना देर में वो पक जाएगा। तो और जो बॉक्स में है, बॉक्स का मैंने बात बता दिया आपको, और ब्रांड तो IFB का 3 ब्रांड हमने अलग अलग मॉडल में अलग अलग कैपेसिटी के साथ कंपेयर किया है, और सैमसंग का एक, ठीक है दोस्तों। और साथ में कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दिया, और इंस्टॉलेशन डिटेल है, जो काउंटर टॉप जो है सैमसंग का है, काउंटर टॉप टाइप का है इंस्टॉलेशन, ये है डिटेल्स उसके। और एडिशनल फीचर्स जैसे आपको बताया कि पावर जो है 2200 वाट का, तो 2200 वाट मतलब आपको एकदम चाहिए कि कोई ऐसा चीज़ है जो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हीट चाहिए, एकदम हाई हीट, जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ को बना रहे हो एकदम हाई हीट, तब उसमें हाई हीट का कैपेसिटी रहता है। नॉर्मली 1400 भी बहुत काफ़ी हीट होता है, लेकिन 2200 वाट बस नाम के लिए होता है, लेकिन वो हीट मतलब क्या है, आपको 2000 का ही देता है, 2000 वाट का ही देता है। तो 2000 वाट और 1400 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही है कि जो जगह में आप कोई ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिसे पकने में अगर 2000 वाट में आप पका रहे हैं तो वो 10 मिनट लग रहा है, और उसी जगह में 1400 वाट में ये कर रहे तो आपको 15 मिनट या 14 मिनट का टाइम ज़्यादा लग रहा है, बस यही डिफरेंस होता है। और फीचर्स जो है दोस्तों, जो 30 लीटर का है टच पैनल वाला है, सारा ही टच पैनल है, सैमसंग वाला भी टच पैनल है। और डायमेंशन का हम बात करें जो साइज़ का है, तो 53.9 x 30 x 44 सेंटीमीटर का है ये 30 लीटर वाला, और 43.3 x 28.1 x 39 सेंटीमीटर का है, और जो सैमसंग का है वो 51.8 x 58.6 x 37.1 सेंटीमीटर का है। और वहीं आप देख सकते हैं 48 x 28 x 41 सेंटीमीटर का है, जो 25 लीटर का आपको IFB का है। तो दोस्तों ये सारा हमने बताया, हमारे हिसाब से आप हम चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, प्राइस के साथ और ब्रांड के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से और इसका मतलब सारा चीज़ देखने के बाद,
मैं बोलूँगा कि अगर आपको छोटा में चाहिए कम पैसे में, तो आप 23 लीटर का IFB का जो माइक्रोवेव है वो ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे बढ़िया मुझे लगा क्योंकि 28 लीटर का भी है, और 28 लीटर में है मतलब लगभग 30 लीटर के आसपास है, और वो मतलब LG का ब्रांड भी है, सॉरी सैमसंग का ब्रांड भी है। तो 10,299 रुपये में जो मिल रहा है सैमसंग का, वो ले लें आप, वो बेटर रहेगा। और उसमें वारंटी पीरियड भी ज़्यादा है, जिससे ख़राब होने के बाद आपको इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा, वो भी फ्री में आपका सारा सर्विसिंग उसका हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सैमसंग वाला हम रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज़ आपको छोटा में चाहिए तो आप IFB का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये भी बढ़िया है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया दोस्तों, उस लिंक से जाके आप कोई भी माइक्रो ओवन ख़रीदते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा खासा एक ऑफ़र मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफ़र मिल रहा है अमेजोन पे, तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव है तो, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।